सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कलकाल कोठरी की सजा के नॉमिनेशन के दौरान श्री संत, निर्मल और रोमिल के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, जिस दौरान श्री संत अपना आपा खो बैठे और निर्मल से कह दिया, ओ हवलदार, गलती की है तो उसे मान ले। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कल नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान श्री संत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए काल कोठरी की सजा के लिए निर्मल और रोमिल का चुनाव किया, जिसको एक्सप्लेन करते हुए श्री संत ने कहा कि टास्क के दौरान निर्मल और रोमिल ने जो घर के सदस्यों को टॉर्चर किया वो तरीका उनका बिल्कुल गलत था। उसकी वजह से इन लड़कियों को काफी हर्ट हुआ और लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नॉमिनेट करता हूँ। ये बात सुनकर निर्मल और रोमिल को गुस्सा आ गया और वो श्री संत के ऊपर चिल्लाने लगे और कहा कि गलती नहीं की है, हमने अच्छा खेला, बेस्ट खेला और हमने कोई गलती नहीं की है। श्री संत को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से उठकर बाहर चले जाते हैं और बिग बॉस से कहते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं रहना है, आप दरवाजा खोल दो। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।